तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एपीआई की। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए हम गेट मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसके जो पैरेंथेसिस है इस यहाँ पर ईयूआरएल देते हैं या एंड पॉइंट देते हैं। एपीआई एंड पॉइंट वो होते हैं या ईयूआरएल या एड्रेस वो होता है जहाँ पर हमारा डेटा मौजूद होता है। तो इसी को हम एक्सेस कर रहे हैं डेटा को। ये हमारा डेटा देखिए यहाँ पर, ये हमारा एंड पॉइंट है जिसको वहाँ पर इस्तेमाल हम कर रहे थे, जहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ इसी डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं। ये डेटा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की करंट लोकेशन बताने का। यहाँ पे देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको दिखेगा। ये देखिए, इसके बाद हम इसी को एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस तो कर लिया, स्टेटस कोड भी आपको दिखाएगा यहाँ पर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ये जो हमारा रॉ ऑब्जेक्ट है एक हिसाब से, मतलब ये इसमें सारा कुछ है, डेटा वोटा सब कुछ है इसमें। तो अगर इसके स्टेटस कोड को देखें तो स्टेटस कोड बता रहा है 200, और 200 का मतलब आपको पता होगा पिछले बार जो बताया था, स्टेटस 200 का मतलब क्या है, ओके, यानी कि डेटा आ चुका है और कोई एरर नहीं है। तो इसके बाद हम इसको एक्सेस करते हैं, कौन सा डेटा आया है इसके लिए। अब इसमें से जेसॉन ऑब्जेक्ट को हम निकालते हैं। तो जेसॉन ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हम रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन को कॉल करते हैं और ये हमारा डेटा निकल गया। और इसको एक डेटा नाम में ही, डेटा ऑब्जेक्ट में ही, जेसॉन डेटा ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसी में इसको सेव कर लेते हैं। तो ये फिर से गड़बड़ हो गया, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक। और उसके बाद हम इसको प्रिंट कराते हैं जरा। अब देखिए क्या आता है हमारा आंसर, ये हमारा आ गया जेसन स्ट्रिंग, यानी जेसन ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, जेसन डेटा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक्सेस करना, ये आपको की और ये डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी कितना ये दिख रहा है, ये की दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रहा है, ये की है, ये वैल्यू है, और ये की है, और ये पूरी पूरी डिक्शनरी हमारी, ये छोटी सी डिक्शनरी, ये वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है इस जगह पर, तो इसको एक्सेस करने जैसे हम एक्सेस करते थे डिक्शनरी की, डिक्शनरी की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते थे उसके की के जरिए। तो ये भी हमारा डिक्शनरी ही है, डिक्शनरी जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सेस कर लेते हैं डेटा, और डेटा किसका नाम है, डेटा इस जेसन ऑब्जेक्ट का नाम है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको अगर यहाँ से कॉपी हो जाता तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, और उसके बाद दूसरा हम ये लिखेंगे क्योंकि हमें अगर इसे एक्सेस करना है तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी अगर आप इसको रन कराते हैं, देखिए अगर आप इसको रन कराते हैं, थोड़ा सा इसको हम कॉपी कर लें क्योंकि हमारा कर्सर सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अगर इसको थोड़ा सा रन कराते हैं प्रिंट, और इसके अंदर इसको कॉपी करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, ठीक। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट आपका आ रहा है यहाँ पर, ये जो है इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं अभी, अब क्लियर आएगा। तो ये जो वैल्यू इसको भी कट करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका वैल्यू आ रहा है ISS पोजीशन की, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पोजीशन आपको आ रही है। लॉन्गिट्यूड की इतनी पोजीशन आ रही है करंट पोजीशन, और लैटिट्यूड की आपको इतनी दे रही है। अभी ये बदल जाएगी क्योंकि ये करंट लोकेशन है ना, देखिए 74.5913 है, ठीक है, ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदलेगा। देखिए फिर से इसको रन कराते हैं क्योंकि ये करंट लोकेशन को बता रहा है। ये देखिए -74 जो है -73 हो गया, क्योंकि बहुत तेजी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रेवल कर रहा है तो उसकी पोजीशन लगातार बदल रही, ठीक है, तो ये बदल जाता है। और तो ये हमारा आ गया, अब हमें ये डेटा तो मिल गया, ठीक है, इसको हम इसको सेपरेटली रख लेते हैं अब यहाँ पर, और इसको एक नाम देते हैं डेटा ISS नाम देते हैं, ठीक, और इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारा हो गया, और इसके बाद इसको हटा देते हैं। अब हम
लॉन्गिट्यूड निकाल लेते हैं। लॉन्गिट्यूड इसका नाम का वेरिएबल में हम लॉन्गिट्यूड की वैल्यू ले लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से हमारी ये वैल्यू आ जाए। ठीक, जैसे हम एक्सेस करते हैं डिक्शनरी को, जस्ट हम वही कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू डेटा आई, ये हो गया। और उसके बाद हम हमारा ये की है, इसकी वैल्यू दे देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कर्सर की वजह से मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है। और इसको ये लिखा, कॉपी किया, ये हो गया हमारा। उसी तरीके से लैटिट्यूड हम लिख लेते हैं, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे पहले ये डेटा लिख लेते हैं, ये आ गया, ये डाल दिया, ये लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम अब इन दोनों को हम प्रिंट करा सकते हैं आराम से, जैसे भी प्रिंट कराना चाहें। अगर मान लीजिए इसको हम कैसे प्रिंट कराते हैं, एक टपल में प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। पोजीशन लिख देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, पोजीशन आप ISS, और ये एक टपल ले लेते हैं और इसमें ये वैल्यू ले लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड। ठीक है, और इसको प्रिंट करा लेते हैं। इसके अंदर हम पोजीशन और इसको बंद कर लेते हैं। ठीक, अब हमारा ये दोनों जो है स्पष्ट रूप से यही पोजीशन आ जाएगी। ये देखिए -67.397, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की करंट लोकेशन पर एक्सेस कर पाते हैं अपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल के जरिए और API की मदद से। इसके बाद हम API के बारे में और भी आगे सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।